पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गैर बीजेपी दलों की बैठक हुई। वहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त रणनीति तैयार करने के मकसद से बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं से शामिल होने की अपील की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में विपक्ष के नेताओं संग मीटिंग करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आज यहां कई पार्टियां थी, हमने तय किया है कि हम केवल एक आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे। हर कोई इस उम्मीदवार को हमारा समर्थन देगा, हम दूसरों से सलाह मशवरा करेंगे। यह एक अच्छी शुरुआत है, हम कई महीनों के बाद एक साथ बैठे और हम इसे फिर से करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं है, इसलिए वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं होते हैं। इसी तरह विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान नहीं करते हैं, मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगा, जबकि मतों की गिनती दिल्ली में होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित इस मीटिंग में अखिलेश यादव, शरद पवार, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता शामिल हुए। इसके अलावा विपक्षी नेताओं की इस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला और मनोज झा भी पहुंच गए। वहीं इस मीटिंग से आम आदमी पार्टी, TRS और बीजू जनता दल ने दूरी बनाई रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।